नमस्कार, आप हैं गुड मॉर्निंग न्यूज के साथ। बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर बिहार विधानसभा में ये मामला पहली बार सदन में उठाया गया बुधवार को। बता दें कि इसी के साथ ही साथ बीजेपी को पहली बार जेडीयू का समर्थन मिला जनसंख्या नियंत्रण कानून पर। वहीं ध्यानाकर्षण सूचना के आधार पर दो बच्चों के प्रावधान की मांग बिहार में भी की गई है। साथ ही साथ जनसंख्या वर्ष 1999 करोनाकरण कमेटी को भी लागू करने का आग्रह किया गया। वहीं बीजेपी और जेडीयू दोनों ने सदन में मुखर होकर बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की मांग की। बता दें कि दोनों पार्टियों के विधायकों ने सदन में मुखर होकर इस मांग को पूरा करने का सामने प्रस्ताव जो है रखा है कि इस प्रावधान को जो है इस कानून को लागू किया जाए बिहार में। और इस संदर्भ में बीजेपी विधायक, भाजपा के विधायक और जेडीयू के विधायक ने क्या कुछ कहा, आप खुद देखिए। कहा कि कानून इस पर बनना चाहिए। देखिए, मैं अपने नेता के साथ हूँ, आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के साथ हूँ। जागरूकता फैलाएं आप, अगर जागरूकता में असफल हो रहे हैं तो फिर उस पर सोचा जा सकता है। लेकिन एक चीज़ मेरा कहना है, अगर वर्स्ट केस में कभी कानून बनने का भी हुआ तो पहले नेताओं स्टेज वाइज बने, पहले नेताओं पे लागू हो जो चुनाव लड़ने में क्या है, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे पंचायती राज के नेता हो, वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, उससे एक अच्छा मैसेज पूरे देश में जाएगा। मैं इसका पक्षधर हूँ। धन्यवाद। साथ ही बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने भी अपना समर्थन दिया। वहीं नीतू सिंह ने इस संदर्भ में बोला कि उनके पार्टी के स्वर्गीय नेता संजय गांधी द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई थी। संजय गांधी ने ही सबसे पहले नशबंदी की शुरुआत की थी, जिसके तहत बच्चों पर यानी जनसंख्या पर कंट्रोल किया जा सके और आर्थिक तंगी से भी बचा जा सके। साथ ही नीतू सिंह ने एक बड़ी बात भी कही कि बिहार में कानून जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून अवश्य लागू होना चाहिए, लेकिन किसी भी जाति धर्म समुदाय को टारगेट कर ये कानून जो है बिहार में लागू नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने भी इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा, आप खुद देखिए। हमारी पार्टी शुरू से समर्थन की है, हमारे नेता स्वर्गीय संजय गांधी द्वारा ये अभियान चलाया गया था, नसबंदी कराया गया था कि हमारे देश का जनसंख्या कम होगा तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा, विकासशील होगा और विकास होगा। विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने की मांग को लेकर जेडीयू विधायक संजीव सिंह ने कहा कि हम अपने नेता के साथ हैं और इसके लिए पहले जागरूकता लाएं, यदि इससे नहीं कंट्रोल होता है तो पहले नेता पर लागू होना चाहिए, विधायक, सांसद, मुखिया पर लागू हो तब जनता में जागरूकता और ज्यादा बढ़ेगी। वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने कहा कि हम इसके पक्ष में हैं। हमारे नेता स्वर्गीय संजय गांधी ने ही नसबंदी की शुरुआत की थी, जिससे जनसंख्या कंट्रोल हो, जिससे आर्थिक कंट्रोल भी होगा। वहीं बीजेपी विधायक विजय खेमका ने आज सदन में ध्यानाकर्षण में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की बात कही। बताते चले कि विजय खेमका ने बताया कि इसके लिए देश चिंतित है और राज्यसभा में ये प्रस्ताव लाया गया है। इसके साथ ही साथ बिहार में भी ये बिल लाया जाए और कानून बने। नीतीश कुमार भी इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, जो कई योजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे बिहार का विकास हो, लेकिन इसके लिए कानून बने। पूरा विश्व इस पर चिंतित है और देश के संसद में भी कई बार ये विषय आया है कि जनसंख्या नियंत्रण हो, और जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगी और नियंत्रित जनसंख्या से किसी भी देश का, राज्य का विकास नहीं हो सकता है, बाधित होता है। और राज्यसभा में तो इसका बिल भी लाया गया है, इस बार भी 2021 में बिल लाया गया है, और बिहार में भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना आवश्यक है। माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं जागरूक करने का, कि महिलाओं को, छात्र छात्राओं को अनेक योजनाओं के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हम जागरूक करके और जनसंख्या पर नियंत्रण करें। लेकिन जब तक कि जनसंख्या नियंत्रण पर नियम नहीं बनेगा तब तक जनसंख्या नियंत्रण होना मुश्किल है, और जब तक कि नियंत्रण नहीं होगा तब तक बिहार का पूर्ण विकास जो है वो संभव नहीं है। इसलिए मैंने ध्यानाकर्षण लाया कि जनसंख्या नियंत्रण पर विचार करके, जो 1999 में करोनाकरण की कमेटी ने भी अपना सुझाव दिया था,
उसको भी सामने में रख करके और बिहार सरकार का जो प्रयास चल रहा है जनसंख्या नियंत्रण के लिए उसको भी और सक्रियता से लाते हुए कानून बनाने की जरूरत है। बगैर कानून के जनसंख्या नियंत्रण संभव नहीं है। ये जो है मैंने अपने ये मांग रखी है ध्यानाकर्षण में, जो नहीं ध्यानाकर्षण हमने रखा है और ध्यानाकर्षण आज वो स्वास्थ्य विभाग का था इस लेकर के सरकार ने समय ले लिया कि जो है इसका बाद में हम जवाब देंगे। सरकार तो कह रही कि जागरूकता करेंगे। नहीं देखिए ऐसा है, हमने पहले कहा कि हमारा जो देश जो है क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें स्थान पर है और पॉपुलेशन के हिसाब से 2रे स्थान पर है। चाइना देश जैसा देश बड़ा जो कंट्री है वहाँ पर भी नियम लाया गया है, 1 और 2 बच्चे का लाया गया है। तो कैसे जनसंख्या नियंत्रण होगी ताकि जो विभिन्न हम अपने हमारे जो परिवार हैं हमारे जो लोग हैं उनको कैसे हम शिक्षा दे सकें, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसे उनको लाभ मिल सके, हर दिशा में हम समृद्ध हो सकें और प्रकृति का दोहन भी नहीं हो। अगर जनसंख्या वृद्धि होती है तो आज प्रकृति का दोहन हो रहा है और प्रकृति का पर्यावरण संरक्षण पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। इन सारे चीज़ों को देखते हुए जिस तरह की इस पर देश की लोकसभा चिंता कर रही है, राज्यसभा चिंता कर रही है, उसी तरह देश के विभिन्न राज्य भी चिंता कर रहे हैं। जिस तरह आसाम है, उत्तर प्रदेश है, उन राज्यों में भी चिंता लोग कर रहे हैं, वहाँ की सरकार चिंता कर रही है कि कैसे हम जनसंख्या नियंत्रण करें, उस पर बिल लावें, कानून लावें। और यह मैं भी यहाँ कहता हूँ कि जागरूकता के साथ शिक्षा के क्षेत्र से और स्वास्थ्य के क्षेत्र से जागरूकता करते हुए बिहार में भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए बिल लाना जरूरी है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बीजेपी को जहां जेडीयू का साथ मिल रहा है, वहीं कांग्रेस के विधायक भी इस पे अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सदन में इसे कब पारित किया जाता है, क्या इसके आगे की स्थिति किस तरीके से सामने आती है, कि कब तक ये बिहार में लागू होगा या नहीं होगा। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए बने रहें हमारे चैनल गुड मॉर्निंग न्यूज के साथ। नमस्कार।